राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, जहां रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रदेश चुनाव समिति ने AICC को भेजा है नामों का पैनल। रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर तय किए गए हैं नाम। AICC के निर्णय के बाद जल्द ही की जाएगी प्रत्याशी की घोषणा। बता दें कि प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। आज या कल में हो सकती है नाम की घोषणा। तो प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। आज या कल में कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे उतारती है, कैसा मुकाबला होगा, कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट कही जाती है। जब से चुनाव होना शुरू हुए हैं, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से यहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और चुनाव कितना कड़ा होने वाला है। तो ACC के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर अभी भी विचार विमर्श जारी है। तो मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हसन, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर अभी भी कांग्रेस में असमंजस है, नाम को लेकर अभी भी ऐलान नहीं हुआ है, क्या कुछ पूरी डिटेल? बिल्कुल, देखिए दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है। एक और भाजपा ने सुनील सोनी को जो है प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस में अब भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। कल बीते दिन जो है एक बड़ी बैठक भी जो है वो ली गई है। इस बैठक में अलग अलग तीन नामों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। इस लिस्ट को सीधे जो है आलाकमान दिल्ली जो है वो भेजा गया। दिल्ली से निर्देशित किया जाएगा कि आखिरकार कौन जो है वो प्रत्याशी बनने वाला है। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में, दो नाम जो है वो टीकागढ़ के सामने है, जिसमें प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा, इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर जो है वो सहमति बन सकती है। तो ACC के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशी से करने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। अगर जानकारी की माने तो आज या तो फिर कल जो है इन दो में से किसी एक नाम पर जो है वो मोहर ACC की ओर से जो है वो लग सकती है और प्रत्याशी को कांग्रेस उतार देगी। तो बिल्कुल, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल कांग्रेस रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। तमाम जानकारी के लिए हसन, बहुत बहुत शुक्रिया।